छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अगवा, एक औरत का अगवा। शौहर रोते रोते बेहोश हो गया। कैसा अजीब इंसान है यार, अबे इतनी बड़ी खुशी मिली और वो रो रहा है। हमारे नसीब नहीं है ऐसे यार, हमारे नसीब नहीं है भैया। आ रहा हूँ। हेलो। अगवा तानी बेगम, 50 लाख, वरना शाम को लाश। क्या? अरे रॉन्ग नंबर भाई। हाँ रॉन्ग नंबर भैया। अबे यही मौका है बेगम से जान छुड़ाने का। एक तो कोई फोन भी नहीं उठाता। हेलो जी। जी क्या अगवा तारी बेगम, 50 लाख रुपए, वरना शाम तक लाश। कौन तानी बेगम? हम तो किसी तानी बेगम को जानते ही नहीं है। अरे भाई अगर मैं तुझे कहूं मैं हुमायूं सईद हूं तो तू मान लेगा? अब भाई रॉन्ग नंबर। पहन के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए नए? हाय 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 ससुर जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो है, लगता है आपने भी फोन सुन लिया। फोन कैसा फोन? वही मम्मी जी के अगवा का फोन। हाँ, नहीं, मुझे क्या पता। सर जी आप इतना डर क्यों रहे? जो काम आपने किया वही काम मैंने किया। कैसा काम? वही मैंने भी कह दिया, रॉन्ग नंबर। अरे यार लड्डू, अबे यकीन नहीं आता यार, किस्मत ऐसी मेहरबान होगी मुझ पे यार। आप पर नहीं, हम पर। हाँ बस दुआ कीजिए जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए। लेकिन यार वो हनी को मालूम हो गया तो क्या हो? हनी को पता चल भी गया तो क्या सोचा जी? हम तो करना है। और बाल बनाओ किसके लिए? हेलो जी। हाँ ये तानी बेगम का घर है, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। बोले क्या? किडनैप? कब? कहाँ? कैसे? अरे सुनो तो सही आप। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे मुझे तो बता दे आप। अरे मामा, मेरी प्यारी मामा कहाँ चली गई? मामा क्या, 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 वो मामा को जिंदा तो है ना? पापा लड्डू, मामा को किसने अगवा कर लिया और उसने पैसे भी मांगे। ओह ये तो अगवा बराए दावान हो गया यार। ये दोबारा कहने से कुछ पैसे नहीं बढ़ जाएंगे। लेकिन हनी, किडनैपर ने तुम्हें कहा था तुम किसी को नहीं बताओगी, तुमने तो हमें बता दिया, तुमने ये क्या किया? मुझे नहीं पता, मुझे बस मामा वापस चाहिए अभी इसी वक्त। लड्डू तुम हनी को लेके अंदर जाओ, मैं जरा इससे बात करता हूँ। ठीक है ठीक। और तुम इतना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारा लिपस्टिक पाउडर सब खराब हो जाएगा। चलो पापा जाओ। चलो चलो। हाँ भाई बड़ों की बात पल्ले नहीं पड़ रही है तेरे। शाम को फोन करने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी आ कर, मेरी तरफ से इजाजत है। और हाँ शाम को फोन करके अपना बैलेंस जाया मत करियो भाई। हाँ अब जो फोन आए ना
तो अच्छी खबर और लाश के साथ आए तो बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहा है या समझाऊंगा भी तुझे? अबे किसको तड़ी दे दी मैंने? मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? मेरी मम्मा को बुलाओ, मुझे नहीं पता। हनी बस भी करो ना आप, कितना रोगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी मम्मा अगवा हो गई और तुम बोले कि बस करो। मतलब कुछ बात के लिए भी बचा के रखो ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कहीं मम्मी जी हुजूर को कुछ हो गया तो। लड्डू, कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मतलब मेरी मम्मा को कुछ हो गया तो? मैं तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? पापा, क्या हुआ मम्मा का? वो कह रहा है शाम तक 50 लाख रुपए पहुंचा दो, वरना 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 के बाद उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए तो टेंशन हो रही है मुझे। लेकिन हम 50 लाख लाएंगे कहाँ से? वही तो, इसका तो प्लान ही गलत था। इसको बेटी को अगवा करना चाहिए था ताकि माँ से पैसे मांग सके। माँ को अगवा किया है और हमसे पैसे मांग रहा है, बेवकूफ कहीं का। लगता है कच्चा खिलाड़ी। मेरे पास 50 लाख तो नहीं है, मगर हाँ मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए। अच्छा, कितने? हाँ। कितने? 20-25 लाख होंगे। तो तुम्हें काम करो, तुम एक चेक काट दो, एक ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक क्यों? ब्लैंक चेक क्यों? अरे भाई कुछ आगे पीछे करेंगे, कुछ सेटिंग करेंगे, हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए। अबे क्या सब्जी खरीदने जा रहा है तू यार? पापा आप कुछ मत बोलिए, मैं तुम्हें चेक देती हूँ, तुम बस जाओ, बस मेरी मम्मा को लेकर आओ। अरे तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी। हाँ। मेरी भी तो है। आपकी? मेरी बेगम है। हाँ, ऐसे बोले ना। अबे भाई देख भाई, बात ये है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है ना तो हनी का क्या होगा, मुझे उसकी फिक्र लगी भी। ससा जी, मेरे होते हुए आप हनी की फिक्र क्यों करते हो, उसे मुझ पे छोड़ दें। नहीं नहीं भाई नहीं। वाह, अब जैसे मैं अपनी बेगम से आजिज़ हूँ तो तू भी तो अपनी बेगम से आजिज़ होगा। और भैया उसके बाद तू मेरी बेटी के साथ क्या करे भाई? नहीं भाई नहीं ऐसा। अरे ससा जी आप सोचे ना एक बात, हनी की ताकत है मम्मी जी, जब मम्मी जी नहीं रहेंगी तो हनी खुद ब खुद एक ऐसी बीवी बन जाएगी जो अपने शोहर के ताबेदार होगी, हर हुक्म बजा लाएगी। बात तो तूने 16 आने पक्की और सच्ची कही है यार। आनों की नहीं, रुपए की बात करें, डॉलर की बात करें, दिरहम की बात करें। कर छोड़े, वैसे रहा आगे के काम देख लूं। आगे के कौन से काम? शाम तक खबर आनी है, कोई तंबू, कोई दरी, कोई चांदनी, कोई बिरयानी, कोई चने। हाय हाय हाय, और फिर उसके बाद जायदाद का बंटवारा। ससुर जी मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अच्छा घर में चलता हूँ। बाबा सुन, पहले ये टेलीफोन का तार निकाल दे, वो दोबारा फोन ना कर ले, मैंने तो उसको तड़ी भी दी थी। आप अपने चेहरे पे थोड़ा गम लाए। गम नहीं? नहीं। बेगम, मेरी बेगम। ओ, ओ भाई कहाँ रह गया तू, जल्दी से आ जाना, कब से वेट कर रहा हूँ खड़ा तू? हाँ भाई, ये रही गाड़ी। और हाँ, 12 लाख से एक पैसा कम नहीं होगा। अबे पैसों की फिक्र तू क्यों करता है? ये बता, गाड़ी में कोई काम तो नहीं है? काम तो कोई नहीं है, क्यों? तो फिर एक काम कर, एक नहीं 2 पैक कर दे। सब खैर तो है ना, कोई लॉटरी वाटरी तो नहीं निकला? अरे अभी नहीं, मगर रात में निकली तू समझ। एक मिनट, हनी वाला फोन कहाँ गया? मजे आए, एक मिनट सेल्फी तो लेने दे। नहीं। ओ भाई क्या कर रहे हो, लेनी भी आए बस तस्वीरें खिंचवाते रहोगे। हाँ, तुझे क्या लगता है मैंने अपना कीमती वक्त जाया करने के लिए तुझे यहाँ बुलाया? ठीक है, रात को फाइनल कर दूंगा, एक नहीं 2। अच्छा अब जा। चलो सही है। हाँ भाई हाँ। अबे भाई बहुत महंगा वाला जो है ना तंबू, वो लगवाना है। नहीं शादी नहीं यार, आजादी आजादी। हाँ अभी समझ लो कि या तो कल लगवाएंगे या फिर आज ही रात लगवा लेंगे यार। आजादी की तुमको मिलेगा, मैं रब्ता करूँ। अब वो हेलो
अबे हेलो हेलो हेलो। अबे यार कैसा अजीब आदमी है यार, बात पूरी सुनी नहीं फोन बंद कर दिया। हेलो अशफाक भाई, क्या हाल क्या रे भाई क्या रे, कैसे याद किया? अबे यार वो इस छुट्टियों में तेरे पास आऊंगा जरूर मिलने के लिए, कुछ दिनों के लिए आऊंगा। हाँ यार दुआ कर, बस लंबाई जाने वाली है वो। कहाँ जाने वाली है? अबे दूर, बहुत दूर। हाँ होगी, जरूर होगी मुलाकात इंशाल्लाह, देख होगी जरूर जरूर होगी। होगी बात भैया, होगी बात। हेलो हेलो। हाँ भाई वो मेरी बेस्ट टेलर से बात करवाओ। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बात कर रहे हो, सुनो डबल बोस्की के कोई 10-12 सूट सीकर मेरे घर भिजवा दो। नाप किसका होगा? अरे यार किसी अमीर कबीर आदमी का नाप ले लो, सारे अमीर आदमी एक जैसे होते हैं। भाई मैं लेडीज कपड़े सीता हूँ भाई। अबे तो पहले क्यों नहीं बताया तूने कि तू औरतों के कपड़े सीता है भाई। हट। यार मोहसिन, दो बड़ी वाली डबल रोटी दो, 4 दर्जन अंडे दे दो, और दो से ये छोटी मोटी चीजें भी डाल दो बच्चों के लिए। शाबाश। हाँ हाँ दो दो अच्छी वाली दो। हेलो हेलो। बात सुनो, वो कपड़े सिलवाने किसको फोन किया है तुमने? ओ मैं ऐसे जो बात कर रहा हूँ, फहमीद बेग। बोले अरे 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 मुर्सलीन भाई, अरे मुर्सलीन भाई कहाँ छुप रहा हो यार? एक काम पड़ गया मुर्सलीन भाई। गुलाम भाई मैं इस दफा कोई कोर्ट वोट किराए पे नहीं दूंगा, पहले ही फंसा दिया तुम लोगों ने। कोर्ट नहीं चाहिए यार किराए पे भाई, यार एक काम है यार। ये हुई ना बात, अब बोलो क्या काम है मुर्सलीन भाई। यार देखो ये मेरे कुर्ते हैं, 3 कुर्ते हैं, इनको कड़क से कलफ लगाना है और जल्द से जल्द मुझे दे देना यार। जल्द से जल्द सब खैर तो है ना? हाँ चल, मैं 2-3 दिन तक आना जाना रहेगा ना लोगों का घर पे, तो बस इसलिए करवा रहा हूँ यार, लेकिन जल्दी दे देना यार। तो खुशी की खबर है क्या? यार तकलीफ तो है लेकिन खुशी की नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा अपने भाई, कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, समझे भाई? ये कलकदार स्त्री करो इस पे और कलप लगाओ बेहतरीन वाला, और कल दे दो मुझे। ठीक है लेकिन पैसे इस दफा मैं ज्यादा लूंगा भाई। अबे जितने मर्जी आए ले लियो भाई, जितने मर्जी आए ले लियो, मन से कर दो बस। अच्छा तो फिर तुम एक काम करोगे, चक्कर लगा के आओ, मैं तुम्हारे कपड़े बिल्कुल रेडी रखता हूँ, कलफ लगा के कड़क वाला। अभी अभी? अरे मुर्सलीन भाई, मुर्सलीन भाई जिंदाबाद, मुर्सलीन भाई जिंदाबाद, मुर्सलीन भाई जिंदाबाद। यार लग रहा है इलेक्शन में खड़ा करवा के रहेगा। ले भाई लड्डू, तुम मामा को लेने जा रहे हो? पागल हूँ क्या? क्या मतलब? हाँ वही तो जा रहा हूँ, मेरा मतलब है मैं तो गम से पागल हुआ जा रहा हूँ। मानी किडनैपर का फोन आएगा तो पता चलेगा ना पैसे कहाँ लेके जाने। शाम हो गई है अभी तक उसकी कोई कॉल नहीं आई। उसकी क्या मजबूरी होगी बेचारे की? बेचारे की? मेरा बस चले ना तो मैं उसको जान से मार दूं। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, भला इतना वक्त कौन लगा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अगर मामा को कुछ हो गया तो। हनी वैसे भी तुम्हें उनके बगैर रहने की आदत डालनी चाहिए ना। लड्डू क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब एक आज नहीं तो कल तुम्हें भी जाना है, आज उनकी बारी कल तुम्हारी बारी है। तुम होश में तो, क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं बस, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। ऐसे कैसे नहीं परेशान हूं मैं? पापा पापा, अरे पापा। क्या हुआ क्या हुआ? पापा मुझे मामा की याद आ रही है, प्लीज कुछ करें। मुझे भी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। सुशील जी ओवर एक्टिंग हो रही है, बस करिए। ओवर हो गई। हाँ हनी तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। सुशील जी, सुशील जी आप मेरे साथ चलें। चले चले चल 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 चल। मम्मा नहीं आई अभी तक। ओह
अरे सुसर जी, सुसर जी, सुसर जी, कहाँ जा रहे हो और ये क्या सामान बेचने जा रहे हो तुम? अरे तानी बेगम का सामान है, कपड़े, जूते, चप्पल, वो रद्दी पेपर वाला आया ना, उसको बेचने जा रहा हूँ। अरे तो इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा तो सबर कीजिए। सुबह से सबर ही तो कर रहे हैं, पता नहीं कब खबर आएगी यार। आ जाएगी, आ जाएगी। सबर का फल मीठा होता है। अबे यार जब से शादी की है सबर ही कर रहा हूँ भाई। ये डब्बे वाले वो रोटी वाले, तीन डब्बे वाले लोहे वाले, बुरोडी वाले कबाड़े वाले, तीन डब्बे वाले बुरोडी वाले भूरी टुकड़े वाले, पुराना सामान वाले। अच्छा मेरा इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगा रद्दी पेपर वाला, ये बेच दूं पहले जाके मैं। पर रद्दी पेपर वाले अबे छोटू तू? जी गुलाम साहब। अभी तू टिक्के कोई काम करता ही नहीं है यार। क्या करूं गुलाम साहब, कसाई बना लो मार्केट में, खोते आ गए और दूध वाला काम भी बंद करना पड़ा क्योंकि लोग डब्बे वाला दूध ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कमाल साहब के घर पे नौकरी थी वो भी खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि वैसे ही हटी रद्दी हो गई है, क्यों ना रद्दी वाला बन जाऊं मैं। अबे क्या बात है तेरी यार। अच्छा बात सुन, ये सामान बेचना भाई कहाँ से चुराया है? तो क्या बात कर रहा है, चुराया नहीं है भाई, ये सब मेरी बेगम ने खुद खरीदा था। क्या बेगम? अबे हाँ भाई, ये सब तारी बेगम का सामान है, उनके चप्पले, कपड़े, जूते। क्या करो गुलाम साहब, तानी बेगम को पता चल गया ना तो आपके लिए बड़ा मसला रहेगा, मेरे पास इस ठेले पर किसी और आदमी की जगह भी नहीं है। अबे बकवास बंद कर, आप जल्दी से तो उसके अच्छे पैसे दे दे, तानी बेगम अब कभी नहीं आने वाली। लेकिन ये सब कब हुआ? अबे होने ही वाला होगा यार, बस तू मुझे इसके पैसे दिलवा दे अच्छे। अबे लाखों का सामान है, लाखों का। गुलाम साहब आपको मालूम है मरे हुए लोगों का सामान किन दामों में बिकता लुंडा में? अबे तो तू कितने देगा भाई? अच्छा चलो बस जल्दी से ये रखो चुपचाप, शाबाश रखो। अबे ये सिर्फ 1000 रुपए? ये तो मैं आपकी शक्ल देख के दे रहा हूँ, वरना और कोई होता तो 2000 रुपए देता। चल बे ड्राइवर, चल चल, तीन डब्बे वाले वो रोटी वाले। अबे रद्दी वाले। अबे ठेले पे ड्राइवर रखा हुआ है, ठेले पे। और बकासुन लड्डू, हनी सो रही है? अरे मैंने उसको नींद की दवा देके सुला दिया। क्यों? अरे जब तक जागती रहती मामा 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 करके हमें मजबूर कर देती, हम असल में मम्मी जी को बाजियाब करवा लेते। अबे हाँ यार ये बात तो है यार। लड्डू एक बात बता, ये बिरयानी कौन सी रखनी है? पहले खबर तो आने दे। अबे जब खबर आएगी तो और बहुत सारे काम होंगे यार। अरे कम से कम ऑर्डर तो दे देना बिरयानी का। खबर से याद आया, वो टेलीफोन की तार तो लगा दूं मैं। अबे क्यों, वरना खबर कहाँ से आएगी, कहीं ना कहीं से तो खबर आनी है ना। लगा दे तार, लगा दे तार। सुन ऑर्डर भी देता आइए बिरयानी का। बड़ी जल्दी है आपको बिरयानी खाने की? बड़े की गोश्त की बनवाऊंगा। अब सुना भी दो यार खुशी की शहनाई। ये क्या कर रहे हैं? अरे यार चेक कर रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अरे भाई मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। अच्छा आप चेक पे याद है, बात सुनो भाई, ओ भाई वो चेक कहाँ है? चेक मेरे पास है। क्यों, क्या बात? तुम्हारे पास है तो दिखाओ। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? हाँ, कर रहा हूँ। ये ले, आगे के जितने भी काम है वो इस चेक को कैश करवाने के बाद होंगे, क्योंकि जायदाद में हिस्सा मिलने में तो वक्त लगेगा ना। वक्त पर वक्त ही तो नहीं गुजर रहा यार। अभी कौन आ गया इस वक्त? अरे दरवाजा खुला है सुसर जी, जिसको अंदर आना होगा आ जाएगा। आ जाएगा भाई, चलो ठीक है। लाश का लाश। अबे कौन सी लाश, किसकी लाश? मम्मी हुजूर की लाश ना। अबे तू पैदाइशी पागल था या अभी सदमे से पागल हुआ है? पैदाइशी सीधे खड़े रहो। ये है तानी बेगम और ये जिंदा है, पुलिस ने कार्रवाई करके ने बाजियाब कर रहे हैं। गुलाम लड्डू,
दुबला होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारी डाइट। तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नशा, सहमे सहमे ये तो मेरा दामाद लड्डू है। चाय मीठी दामाद, वजन तो बढ़ेगा ना आपका। मिल गई भाई, मिल गई। अरे हीरोइन मिल गई भाई, हीरोइन मिल गई। इनके लिए करेले का जूस और अदरक का हलवा लेकर आए। अदरक का हलवा, करेले का जूस, आप तो तहलका मचा देंगे। मियां तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद।